का, ईश्वर का, जिसके लिए आप घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, बीवी छोड़ा, बच्चा छोड़ा, बाप छोड़ा, माँ छोड़ा, और संतोष न हो तो भरम जाइएगा। ये सब तो मंत्र होता है सिद्धि का, शरीर का, प्रलम का। जो धंधा बिगड़ जाएगा उसको चालू करेगा, ऐसे मंत्र होते हैं। हाँ, मंत्र होता है ना, मंत्र में होगा तो कौन मानेगा। साथियों, जैसे कि जो महाराज जी के मैं दर्शन कराऊंगा, जैसे आप फोटो देख पा रहे हैं, ये टाटम्बरी वाले महाराज जी की, जैसे आप देख पा रहे हैं, इन्हीं के हम फोटो पे दर्शन है, जैसे इनके ही सत्संग और दर्शन हम करवाने की कोशिश करेंगे, और कुछ यहाँ पर भाई उनसे भी बात करेंगे। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, महाराज जी की लंगोट तक भी आप टाट की धारण करते हैं महाराज जी, और जैसे आप देख पा रहे हो, महाराज जी कुर्ता हुआ, चाहे लंगोट हुआ, चाहे साफी हुआ, सभी इसी के बनाते हैं। जैसे आप कोई अंचला बनाते हैं ना, जो अंचला भागलपुरी हो, चाहे महाराज जी ये सभी अंचला भी इसी के पहनते हैं, और कुर्ता भी हो, चाहे लंगोट भी इसी का ही है, टाट का ही धारण करते हैं, टाट के ऊपर सोते हैं, टाट को ही ओढ़ते हैं, टाट को ही पहनते हैं। इसका बड़ा एक महत्व मानी गई है, और संतों में एक तपस्या मानी जाती है टाट का, और ये तपस्या बहुत कठिन भी होती है। उसकी टाट के साथ सर्द और गर्म और बारिश मौसम, तीनों मौसम हमें निकालना होता है संतों को, इसीलिए इनको टाटम्बरी वाले बाबा जी भी कहते हैं, टाटम्बरी वाले संत भी कहते हैं। ये एक परंपरा पहले से जुड़ी हुई है, पहले से आई हुई है, एक तपस्या जैसे हठयोग की तरह माना जाए, इसको एक हठयोग भी कहा जाता है, क्योंकि टाट धारण करना एक अपने आप में हट करना भी है। तो इसके महाराज जी के साथ मैं दर्शन भी और सत्संग रहूँगा, और महाराज जी का त्याग और तपस्या मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ नर्मदा के तट पर महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, जैसे हम परिक्रमा कर रहे हैं, तट पर चल रहे हैं, तो जैसे जैसे संतों के दर्शन हो रहे हैं, वैसे वैसे मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सत्संग भले ही लंबी और छोटी हो, लेकिन आपको किस प्रकार लगे मुझे बीच में कमेंट करके बताना, महाराज जी के बारे में भी किस प्रकार के, महाराज जी का नाम भी मैं आपको इस वीडियो माध्यम से पूरा बताने कोशिश करूंगा। आज पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ। yes. और महाराज जी, जैसे आपने ये बच्चापन से संत है या? वो तो नहीं बताएंगे, वो जब बोलता है वो सुनिए, वो कोई बताता है, भगवान भी गृहस्थी है, शंकर जी है, तो लिंग थपना विधिवत कर पूजा, शिव समान वही जाए न दूजा। तो ये में आता है जामवंत के वचन, सुहाई सुनो हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगे मोहि प्रय तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई, जब लगे आ वही सीते ही देखी, हो ही काज मोहि हर्ष विशेखी, ये हो सबा नहीं कही माता, चलो हरखी या धरो रघुनाता, सिंत रे का भुंदर सुंदर, कौतक कौर चढ़ऊ तऊ, पर बार बार रघुवीर समारे, तरकहु पवन तन बलभारी, अजहि गिरिचारण दहि हनुमंता, चलहु सोग पताल तुरंता, जिमे अगुम रघुपति करबाना, यही भारती चलो हनुमाना। हनुमान जी महाराज और राम जी के भगत है, तो भगत तो बन सकते हैं, हनुमान जी जैसा कठिन मारक है, साधु नहीं बन सकता है, साधु नहीं बन सकता, कितना ऋषि हो जाएगा तो वो बन नहीं सकते हनुमान जी ऐसा, उनमें लोभ नहीं था, लोभ नहीं था, निष्काम भक्ति थे, निष्काम भक्ति थी, तो वो निष्काम करने में लोभ आ जाएगा, तो लोभ रहते हुए हरि की चर्चा करिए, हरि की चर्चा करिए, हरि बगैर कोई उदाहरण है। तो बड़े भाग से मानुष तन पाबा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गाबा, कृपा सिंधु मानुष तन पावो, असुर दुर्लभ सत ग्रंथन गाओ। तो शंकर जी है देवों के देव है, महादेव महादेव है ना, तो भगवान के इच्छा से जे काम करिए सर्व संतोष से करिए। अच्छा, चंचल रखिएगा तब भी नहीं होगा, घूम सकते हैं पर आपत नहीं कर सकते। ईश्वर का जिसके लिए आप घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, बीवी छोड़ा, बच्चा छोड़ा, बाप छोड़ा, माँ छोड़ा, और संतोष न हो तो भरम जाइएगा, भटक जाएगा। हाँ, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग मिलेगा तभी भोजन करेगा, ना मिलेगा तभी भोजन करेगा। अच्छा, मांग मांग के ये जगह बनाएगा, किसी मांग का लाख रुपया के भंडारा कर लेहो के समान है, भंडारा करो खुश से दे दिया लो तो दूध के समान आता है, और मांग के किया तो लोहे के, हाँ तो लोहे के समान है, ग्रंथ में बोलता है ना, श्रीमद् भागवत पढ़िए, रामचरितमानस में, मांग मांग कर नहीं करिए, अपने जग लगाओ, ये बनाता है किसी को सीमेंट एक बोरा बोलिए, सीमेंट बोले एक बोरा, दो बोरा का आशा न रखिए, एक बोरे के तो एक बोरे की पूरी बात। हाँ, जब भी दूध के समान है, कभी दूध के समान। हाँ गुरु जी, जैसे कि बहुत कहते हैं संत बनना लेकिन कठिन होता है, तो ऐसे क्या भाव है कि आपने सोचा, इतने संघर्ष कर रहे हो और जैसे टाट धारण किया आपने, ये कोई मामूली नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या मानी जाती है संतों में। हाँ, तपस्या, तो क्या कारण से आपने टाट धारण करने की सोचा? तो इसमें होगा ना कुदरत भरोसा, होगा ना
कुदरत में इसमें होगा लेवा देवा, लेवा न देवा, ये कुदरत का हाथ में है। ये संसार कह के संसार त्यागना, ये झोपड़ी बना के मंडोली बना के मंडोली त्यागना कितने कठिन मार्ग। शरीर को तपाओ, शरीर से कोई लेवा देवा नहीं, संबंध न रखे। अच्छा, अर्थ न धर्म काम रुचि गति न चाह निर्माण, जलम जलम जतन करे अंत काल में राम। जब बाली के राम मारा ना ओ पंपापुर में, तो वो चीज़ के लिए आप लोग घूम रहे हैं। दो आदमी है ना, तो राजा राम लक्ष्मण ये घूम रहा था ना, दोनों पंपापुर में गए ना, तो सुगड़ी बताया ना, तो वही चीज़ है ना। तो कठिन मार्ग से हम लोग मिलते हैं, साधु तो बहुत होगा, लाखों मंदिर वाला होगा, मैं जो उसको वृत्ति निश्चार सच्चाई अलग होता, अलग भले करोड़पति होगा, भले 10 मंजिल का बनाया होगा, वो में अहम होगा। संत आप बनिए, संत बनिए, बनने का काम है महंत, अहम न होना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए। और आज साधु का में स्वादु ज़्यादा है। हाँ, तो वही बोलते हैं ना, तो मैं अब जैसे संत को आँख मुन के भजन नहीं करना है, अब कौन जो टाइम में आइए पुकार करिए उस टाइम में हाजिर करो भक्तों का पास। अच्छा, मिलने तो आया भाई, मिलने आया, और उसको कहा कि बैठा के मिलो। अच्छा, भाव प्रेम नेम प्रेम शंकर को देखा, नेम प्रेम शंकर को देखा, तो नेम प्रेम शंकर उमा कहो अनुभव अपना सत्य हरे जगत सब सपना। तो जगत तो आज के लिए है, कल के लिए नहीं। माता पिता आपको जन्म दे दिया, मैं कर्म नहीं दे सकता है, वो अपन कर्म अपने भोगिए, जैसे भोगिए वैसे भोगना है। भक्ति लाइन में राज नहीं मिलेगा, भक्ति का अपना लीजिए, तो नाम ही में है, नाम है जो अमर है। अच्छा, नाम ही है से पूजाता है, किसको ठक ठक के दान भी नहीं लीजिए, ठक ठक का दान नहीं, जितने देता है उतने ही लीजिए, जितने ये नहीं जा 10 लाख दिया उसको पैसे वाला है पार्टी, तो देता है भाई वो अपने लेता है, उसको सवाल ही नहीं, तभी आपको संतोष आएगा। अच्छा, हाई टाट है तो टाट में कितने त्याग होगा। 3 साल सीखा। तो क्या ये नेगेटिव एनर्जी ये होती भी है क्या, ऐसी मतलब समस्याएं काला जादू? नहीं नहीं, वो नहीं जानते, एक हमारे जादू नहीं है, ये सब तो मंत्र होता है सिद्धि का, शरीर का, प्रलम का, जो धंधा बिगड़ जाएगा उसको चालू करेगा, ऐसे मंत्र होते हैं। हाँ, मंत्र होता है ना, मंत्र नहीं होगा तो कौन मानेगा, मंत्र न होगा तो कोई मानेगा। आपको ये डीजल भरा है मशीन, ये आपको ITI पढ़ के ये सब बनाया है, चक्का बनाया है, फ्रेम दिया है, मजबूती रखा है, हैंडल आपको ना आँख चल जाएगा तो अपने मरिएगा, ड्राइवर मर जाएगा अपने मर जाएगा, ये राम रक्षक होता है, ये सब राम रक्षक है। अच्छा, ये मंत्र जो है राम रक्षक है, राम रक्षक। हाँ, राम रक्षक मंत्र होता है, सब मंत्र है जो देवी का है, देवी का। हाँ, सीताराम सीताराम भाई तो देवी है ना। हाँ, सीता जी देवी है, वो आपका ये क्या बोलते हैं पार्वती माता है जो देवी है, काली देवी है ना, आपको घर वाली होगा वो देवी है, लड़की देवी है, मान ज्ञान है जो बीज है, जमीन है जो रज है, तो लिंग अपना विधिवत कर पूजा शिव समान वही जाए न दूजा, जमीन है जो रज है, ज्ञान है जो बीज है। रामायण तो पढ़ लिया महाजे, कहाँ पर कौन वर्णन लिखा है, ढोल गमार सुत को सुनाड़ी सकल है तरना के अधिकारी, तो कोई से पूछेगा रामायणी से तो बताएगा नहीं। जब समुंदर पर डेरा दिए राम जी तो मनना नहीं, तो लक्ष्मण के बोला लक्ष्मण जी के लाओ लक्ष्मण धनुष्वान, तब ने समुंदर सच के लाया, वो वर्णन तो उसी दस लिखा है रामायण में, समझ रहे हैं ना। अब जैसे गवर्नमेंट आपको रास्ता बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया बना दिया, तब तो आप गाड़ी चलाते हैं ना, वो में लाइसेंस परमिशन ना होगा तो पकड़ेगा, हैं गाड़ी नंबर डर से कटाते हैं ना धार से गवर्नमेंट का, तो ऐसे इस मंत्र होता है। तो राज तो कोई एक ही करेगा ना, साधु लाखों होगा, लाखों साधु होगा, तो इसे क्या लेना देना है, अपना क्या करना है वो देखना है। अच्छा चलो कोई नहीं महाराज। हाँ, अब रसोई बनाइए। हाँ नहीं, हमारा रसोई तो ऐसे गाड़ी में है। अच्छा अच्छा, पूरा गैस उसमें सिस्टम बनाया हुआ है गाड़ी के अंदर ही। अच्छा, वही में बनता रहता है गाड़ी में, गैस चूल्हा टंकी। हाँ, खाना सब कुछ रखा हुआ है। हाँ, ऐसे छोटा सा जुगाड़ बनाया हुआ है। हाँ, तो अभी कहाँ तक पहुँचेगा? अब यहाँ से आगे निकलेंगे महाराज जी, और वहाँ से अंकलेश्वर जाके
फिर वहाँ से उस तरफ जाके फिर वैसे। चलो महाराज जी, गलती साथियों, जैसे कि नर्मदा के तट पर मैं संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, ये नियमित मात्र हूँ, आपको संतों के दर्शन जो करवा रहा हूँ किस प्रकार लगे, महाराज जी से सत्संग लिए आपको किस प्रकार लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे लगातार आपको संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। अगले संतों के दर्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आगे बढ़ जाइएगा जी, संत का वाणी लगेगा आपको, जिंदगी भर कमाइएगा, फायदा ना मिलेगा, एक पल का आशीर्वाद लग जाएगा जी महाराज, एक पल के लग जाएगा। ये में तो जात नात है नहीं, हरि के भजन से हरि के होए, ये में ऐसा है। संत में संत को कुदरत भी जानता है ना, कौन संत है कौन असंत है, तो में लिखा है ना, संत असंत। बस मैं तो यही कहता हूँ, संत भेष को प्रणाम है, चाहे कोई भी मिले एक बार प्रणाम तो जीव के, जीव का मानते जाइए जी, तो आप भोजन करिए ना, सामान हम देता है। नहीं नहीं महाराज जी, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आपको गाड़ी में है कि नहीं, हम देखा तो नहीं मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ, तो दिखा कि नहीं। साथ ही जैसे महाराज जी सत्संग लिए आपको किस प्रकार लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पूछे ना, हैं पूछे कैसे लगा, कैसा लगा महाराज जी के कुटिया के भी दर्शन करवाए, और मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर भक्तों से भी आपको महाराज जी के बारे में पूछ के आपको बताऊंगा। अगली सत्संग साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्ण हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँगी जय गुरुदेव, हर हर नर्मदे नर्मदे हर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।